श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकर निवोज्ज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। अब आरंभ करूं आज को राशिफल। मेष राशि। मेष राशि का श्रोता, आशा अनुरूप आर्थिक विषय में सफलता पाइने योग बनेको छ। कुटुम्बबाट भने जस्तै सहयोग पाइएला। शत्रु परास्त होलान्। शरीर में केही पीड़ा हुने योग भने अवश्य बनेको छ। विद्या तथा धार्मिक क्षेत्र में विशेष परिवर्तन को अवस्था देखिएको छैन। प्रेम का क्षेत्र में विशेष राम्रो सफलता पाइएला। वृष राशि का श्रोता, विद्या तथा संतान का क्षेत्र विशेष राम्रो सफलता पाइएला। परंतु एउटा अनौठो भयले सताउने योग भने अवश्य बनेको छ। अचानक में दुखपूर्ण समाचार सुन्नु पर्ने बाध्यता बनेको छ। प्रेम का क्षेत्र में वाद विवाद हुन पनि सक्छ। पदोन्नति होला, आय राम्रो होला, व्यय सामान्य होला। मिथुन राशि। मिथुन राशि का श्रोता, झगड़ा तथा वाद विवाद होने योग लिएर चंद्रमा को उपस्थिति भएको छ। आर्थिक विषय में तथा बाणी र खाने कुरा का पक्ष में भने समय अनुकूल ढंगले उपलब्ध भएको छ। धार्मिक अथवा सामाजिक विषय में भने केही टीका टिप्पणी का साथ में तपाईको सफलता अनुकूल बनेर बसेको छ। वैदेशिक रोजगारी को अवसर प्राप्त होला। संतानबाट तपाईले सोचे जस्तै सहयोग पाइएला। कर्कट राशि। कर्कट राशि का श्रोता, धन सम्पत्ति को प्राप्ति हुने योग बनेको छ। शारीरिक आकर्षण में वृद्धि होला। खाद्य पदार्थ में अचानक असंतुष्टि प्राप्त होने योग बनेको छ। संतान का पक्ष में केही पीर व्यथाले कष्ट थपिदेला। यात्रा में दुख सुख दुबई किसिम का अवस्थाहरू आउलान। धार्मिक अथवा सामाजिक विषय में राम्रो परिणाम पाइएला। प्रेम र शिक्षा का क्षेत्र में भने सामान्य अवस्था रहला। सिंह राशि। सिंह राशि का श्रोता, मिष्ठान्न भोजन का अवसर प्राप्त होला। तपाईका वाणी को प्रशंसा हुने योग बनेको छ। अचानक आर्थिक विषय में विशेष राम्रो सफलता पाइएला। शत्रु को मात्रा भने थपिएर जाला। यसरी तपाईलाई शत्रु का कारण चिंता हुने योग प्रबल बनेको छ। फेरि पनि तपाईको पदोन्नति हुने योग भने अनुकूल ढंगले उपलब्ध भएको छ। कन्या राशि। कन्या राशि का श्रोता, तपाईको व्यक्तित्व को प्रशंसा होला। आशा नगरिएका ठाउँबाट अचानक ठूलो धनराशि प्राप्त हुने योग बनेको छ। अप्रिय समाचार सुन्न पाइएला। प्रेम का क्षेत्र में अनेक किसिम का विवादहरू आइपर्लान। विद्या का क्षेत्र में भने परिश्रम अनुसार को सफलता पाइएला। तुला राशि। तुला राशि का श्रोता, आर्थिक विषय में हानि नोक्सानी को योग बनेको छ। चोटपटक र वाद विवाद को अवस्था आउने योग प्रबल बनेको छ। सूर्य मंगल र केतु का अनुकूलता का कारण एकातिरबाट हानि भए पनि अर्कोतिरबाट आर्थिक सफलता को उज्यालो भने अवश्य पाइएला। प्रेम में तपाईले सोचे जस्तै सफलता पाइने योग बनेको छ। पदोन्नति हुने योग बनेको छ। वृश्चिक राशि का श्रोता, पुरानो आर्थिक विषय में तपाईले सोचे जस्तै सफलता पाइएला। विद्या का क्षेत्र में त्यति राम्रो सफलता नपाइएला। धार्मिक अथवा सामाजिक विषय में भने केही आनंद र केही कष्ट को अनुभूति प्राप्त होने योग बनेको छ। वैदेशिक रोजगारी को अवसर प्राप्त होला। नयाँ कार्य क्षेत्र में हाथ हाल्न का निम्ति केही समय पर्खनु पर्ने बेला आएको छ। धनु राशि। धनु राशि का श्रोता, मनोवांछित सफलता पाइएला। दैनिक का कार्य सफलता का उचाई में प्राप्त होलन। धार्मिक विषय को यात्रा होने योग बनेको छ। विद्यामा तथा संतान का विषय में सुखानुभूति प्राप्त होला। आवश्यक खर्च गरिकन पनि राम्ररी आमदानी बचाउन सकिएला। मकर राशि। मकर राशि का श्रोता, धार्मिक अथवा सामाजिक विषय में राम्रो सफलता पाइएला। मिष्ठान्न भोजन को अवसर प्राप्त होला। बन्धुहरू का बीच में अचानक विवाद बढेर जाने योग बनेको छ। माताबाट विशेष सुख पाइएला। प्रेम में राम्रो सफलता पाइएला। विद्या तथा संतान का क्षेत्रबाट भने जस्तै सफलता पाइएला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि का श्रोता, समय त्यति सजिलो छैन। आशा अनुरूप आर्थिक विषय में सफलता पाउन सकिने छैन। चोटपटक लाग्ने युग प्रबल बनेर बसेको छ। अत संयमित भएर हतियारहरू चलाउनु पर्ने बेला आएको छ। यति सबै भएर पनि शत्रु भने तपाईबाट आज सहजै परास्त होलान्। मीन राशि।
मीन राशि का श्रोता उच्च पदस्थ सरकारी अथवा गैर सरकारी अधिकारी वर्गबाट राम्रो सहयोग र सम्मान पाइएला पदोन्नति हुने योग भनेको छ। पति पत्नी का बीच में महत्वपूर्ण विषय में छलफल चल्ला, मिष्टान्न भोजन का अवसर प्राप्त होला, धार्मिक विषय में तपाईले गरेका काम को उच्च मूल्यांकन होला। हामीले 12 वटा राशिफल प्रस्तुत गरिसकेका छौं। यद्यपि राशिफल सबैका निम्ति एक समान भावले अर्थात औसत भावले व्यक्त गर्ने गरिन्छ, परन्तु प्रत्येक मानिसका आफ्ना आफ्ना प्रारब्ध, जन्म समय र भूगोलका भिन्नताका कारण एकै राशिका अनेक व्यक्तिका बीचमा राशिफलमा न्यूनाधिकता हुन पनि सक्छ। अतः तपाईका विशेष परिस्थितिहरूमा केवल राशिफल सुनेर मात्र नभएर तपाईले विश्वास गरेको ज्योतिषीलाई समेत सोधेर आफ्नो समस्याको सही समाधान प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईलाई सबैका प्रति हित हुने कार्य गर्ने अनुकूलता प्राप्त हुन सकोस् र आजका तपाईका समस्त कार्यहरू सफलताका उचाइमा प्राप्त हुन सकुन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सुशान्तिर्भवतु, सर्वार्थ शान्तिर्भवतु।